पक्ष में भक्तिमय बना हुआ है कस्बा अवागढ़। एक ओर राम कथा तो दूसरी तरफ भागवत कथा का चल रहा है आयोजन। दोनों ही श्रद्धालु जमकर ले रहे हैं आनंद। खबर एटा जिला के कस्बा अवागढ़ से है। वर्तमान में पूरा कस्बा भक्ति रस में डूबा हुआ है। श्राद्ध पक्ष होने के कारण कस्बे में दो जगह धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत बाईपास रोड स्थित नया फार्म हाउस पर कथावाचक श्रद्धेय मनोज अवस्थी जी अपने मुखारविंद से राम कथा सुनाकर भक्तजनों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भागवत कथा वाचक चित्रकूट से पधारे आचार्य ऋषि महाराज अपने प्रवचनों से भक्ति रस से श्रद्धालुओं को सराबोर कर रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में राम कथा और भागवत कथा दोनों का ही आयोजन एक साथ होना श्रद्धालु भक्तजन शुभ मान रहे हैं। दोनों ही धार्मिक आयोजन में समागमन में राम कथा के आयोजन संजीव वार्ष्णेय बंटी बाबू हैं। वहीं भागवत कथा के आयोजक विवेक वार्ष्णेय बंटी बाबू हैं। रामकथा स्थल पर रात्रि में भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें संत सम्मेलन, खाटू श्याम संध्या संकीर्तन और कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। कथा स्थल पर मंत्री, विधायक आदि राजनेता आते रहते हैं। आयोजकों में धर्मेंद्र पाल सिंह राजू, गणेश वार्ष्णेय, पंकज गुप्ता, सजल वार्ष्णेय, प्रेमचंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता आदि के नाम प्रमुख हैं। अवागढ़ से मनोज कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें।